আমাৰ লগত আছে নয়দাৰ পৰা যোগ গুৰু বাবা ৰামদেৱ। বাবা ৰামদেৱক যদি মই স্ক্ৰীণত পাওঁ, গুৰুজী ৱেলকাম টু নিউজ লাইভ। টু নিউজ লাইভ আপক ভি জৰীৰ হুসেন ভাই বহুত বহুত প্ৰণাম, অভিনন্দন। প্ৰণাম। ইছ কৰোনা মুক্তি কে লিয়ে আপ বহুত বড়া মুহিম চলা ৰহে হ্যাঁ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নে জো আহ্বান কিয়া জনতা কৰ্ফিউ কা উসকো সফল বনা ৰহে হ্যাঁ পুৰে নৰ্থ ইষ্ট মে। আপকো কিয়া লাগতা হ্যায় কি জনতা কৰ্ফিউ কুছ হদ তক কা কৰোনা ভাইৰাস কো প্ৰিভেণ্ট কৰ সকতা হ্যায় জো ফেল ৰহা হ্যায় বহুত তেজি সে? देखिए हुसैन भाई, एक संक्रमित व्यक्ति जब 10, 100, 1000 फिर वो 10,000 मल्टीप्लाई होकर के 1,00,000 और 1 व्यक्ति 1 करोड़ लोगों को संक्रमित कर सकता है विद इन ए मंथ। तो अभी तक भी जितने केस आइडेंटिफाई हो चुके हैं पॉजिटिव और हजारों केस अभी आइडेंटिफाई होने बाकी हैं, तो अभी तक भी हजारों तक फैल चुका है और यदि ये लाखों और करोड़ों तक फैल गया तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी महामारी हो जाएगी। और इससे इमिडिएटली जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जो 60 साल से उम्र के बुजुर्ग हैं, करीब देश की आधी आबादी को ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो सोशल डिसकनेक्ट वाली जो बात है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका संक्रमण वह एक महामारी की तरह और देश के लिए जानलेवा हो सकता है। उसको कुचक्र को तोड़ने के लिए यह जो जनता कर्फ्यू का प्रयोग था ये सफल रहा है, और जो भी सरकार करे हम सब देशवासियों को उसमें सहकार करना चाहिए क्योंकि यह हम सब की हिफाजत के लिए। एक एक बहुत अहम बात है कि इम्यूनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखे, सो आपके हिसाब से इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और हाउ डू वी make our immune system strong? Immune system को strong बनाने के लिए पहले तो खान पान थोड़ा अच्छा रखें, 6 घंटे की नींद सोएं और एक जिसको कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडोप्ट करें। सबसे बड़ी चीज़ जो सब कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। थ्रू ब्रीदिंग एक्सरसाइज यू कैन इम्प्रूव योर इम्यूनिटी सिस्टम एंड यू कैन फाइट विद कोरोना। मैं एक वाक्य बोलता हूँ हिंदी में, योग करो ना नो कोरोना। आप ये भस्त्रिका ब्रीदिंग करते हो तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे पहला अटैक होता है कोरोना का। तो भस्त्रिका करने से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, कपालभाति करने से सारे इंटरनल ऑर्गेन्स आपके स्ट्रेंथन होंगे, अनुलोम विलोम से आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के साथ आपका नर्वस सिस्टम, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका लंग हार्ट पूरा इंटरनल जो आपका फंक्शन है बॉडी का वो पूरी की पूरी तरह इससे स्ट्रेंथन हो जाता है। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग से फिर भ्रामरी ओम। किसी को भ्रामरी उद्गीत ना भी करना हो तो भस्त्रिका कपालभाति या अनुलोम विलोम हुसैन भाई ये 3 ब्रीदिंग भी कर लेता है कोई तो कोरोना तो अपना अटैक करेगा, उससे आप तभी फाइट कर पाएंगे, तभी उसके अटैक से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यदि आपकी इम्यूनिटी हाई और थ्रू दीज 3 ब्रीदिंग्स you can enhance your immunity power, you can able to strengthen your lung, your heart, your all organs, to aap apne aap ko protect karne ka sabse bada brahmastra hai wo ye breathing exercise hai, 5 breathing exercise aur 5 herbs giloy tulsi kali mirch haldi adrak ye 5 cheeze bhi aap ubal karke pee lete hain तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी अपने आप को आप बचा सकते हैं। दोबारा बताइए को जो 5 जो आपने मिक्स बताया गिलोय उसको कहीं गड़ो बोलते हैं, कहीं अमृता बोलते हैं, उसको कहीं गुड़वेल बोलते हैं, कहीं अमृतबल्ली बोलते हैं, पूरे देश में यही इसके नाम हैं, अमृता गिलोय तिपतिग अमृतबल्ली। 1 इसकी लता होती है,
वो यहाँ पर भी मेरे को दे देंगे ये लता, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लता और साथ में तुलसी और काली मिर्च, अदरक और हल्दी, इसमें मेन है गिलोय और तुलसी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में ये पाई जाती है, ऐसे इसकी डंडी होती है, इसमें पान जैसे पत्ते आते हैं, तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। एक रोगी के लिए दिन भर के लिए इतनी पर्याप्त है। ऐसे 1 किलो पानी में इसको पका लें, 1/4 बच जाए, तब छान करके 5-7 बार पी लें थोड़ा थोड़ा करके। तो ये गिलोय रामबाण है, अद्भुत अचूक, और ये पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ में कह रहा हूँ कि चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार है जो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में, उस भी आप बच सकते हो और इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हो। ये रिसर्च से भी प्रमाणित हो चुका है हुसैन भाई। और आपने बताया कि 1 मिनट का टेस्ट कि आम आदमी उसको कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ या नहीं हुआ, एक टेस्ट सेल्फ घर पे एक आप टेस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा बताएंगे क्या है? देखो हुसैन भाई, अब जो लोग भीड़ भाड़ के एरियो में रहे पिछले 1 महीने से, मैं भी रहा हूँ, मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था और मलेशिया होकर के हिंदुस्तान लौटा, मुझे करीब 23 दिन हो गए। तो अब करोड़ों लोग बसों में, ट्रेनों में, प्लेन में यात्रा कर चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान से घूमे हैं, न अनजान लोगों के भी संपर्क में आए हैं। तो हर आदमी आशंकित है कि मुझे तो कहीं उसका इफ़ेक्ट नहीं हुआ हुआ है। तो अपने आप को चेक करने के लिए मैं 2 तरीके बताता हूँ, बहुत सिंपल। क्योंकि कोरोना सबसे पहले हमारे लंग के ऊपर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। तो यदि आपका लंग यदि अच्छा है तो इसका मतलब आपके ऊपर कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, आप नेगेटिव हैं। तो उसके लिए एक तरीका है, श्वास को भर के ऐसे रोक लिया और जो ज़्यादा उम्र वाले हैं, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है और एजेड हैं, वो आधा मिनट, और जो यंग हैं वो 1 मिनट तक ऐसे ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं। इसका मतलब आपको कोरोना नहीं, आप नेगेटिव हैं। और ये टेस्ट आप सुबह शाम 2 वक्त कर सकते हैं, जो पब्लिक संपर्क में रहते हैं, जो घर में रहते हैं, एक बार आपने कर लिया, फिर भी रोज़ एक बार अपना आप टेस्ट सेल्फ, इसको कहते हैं कि निरीक्षण, अपना परीक्षण या सेल्फ डायग्नोसिस। एक तरीका तो यह है, ब्रेथ को होल्ड करना आधा से 1 मिनट। दूसरा है, 1 मिनट में यदि आप 50 to 100 ब्रेथ कर लेते हैं, ऐसे डीप ब्रीदिंग सीक्वेंस में, ब्रेथ रेट बोलते हैं इसको, आप बुजुर्ग हैं, आपको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा आदि है, कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो 50 to 60, और यंग हैं तो 100 to 120। मैं तो 1 मिनट में 200 करता हूँ, मेरा ब्रेथ रेट ऐसा है ये। मैं तो ऐसे बहुत तेज़ी से करता हूँ, लेकिन आप ऐसे कर लेते हैं, आप 1 मिनट में बड़े बुजुर्ग और जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं, क्रोनिक डिजीज़ हैं, वो 50-60, और जो यंग स्टार्स हैं वो 100 to 120 टाइम्स आप कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप कोरोना के नेगेटिव हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए। एक बात, अगर मैं ये जो आपने ब्रीदिंग टेस्ट दी है, मैं सक्सेसफुल, मैं पास कर गया, बट मेरे बुखार है, तभी भी आपको लगता है कि कोरोना से कोई चिंता का बात नहीं है? ब्रीदिंग टेस्ट पास कर लेते हैं और आपको सर्दी जुकाम बुखार है, तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, नॉर्मल आपको फ्लू है या सर्दी जुकाम नॉर्मल जो होता है वायरल, वो है, और उससे घबराने की जरूरत नहीं। बस प्राणायाम कीजिए और ये मैंने जो गिलोय, हल्दी, तुलसी, अदरक बताया है, ये सेवन कीजिए, आपको कोरोना नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार होने के बावजूद भी आप यदि 1 मिनट होल्ड कर लेते हैं, जो मैंने टेस्ट बताया उसको आप पास कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपको कोरोना नहीं है, नॉर्मल सर्दी जुकाम फीवर है आपको। जो 5 आपने बताया कि उसको कैसा कैसा खाना है, कैसा पीना है? ये गिलोय को छोटा छोटा टुकड़ा करके और इसको कूट लें हमाम दस्ते में,
और कूट करके ये इतनी सी गिलोय ली, एक रोगी के लिए पूरे दिन भर के लिए पर्याप्त है, जिसको कोरोना हो गया उसके लिए भी और जिसका बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक है उसके लिए भी, दिन भर के लिए। कोरोना होने पर तो इतना लेना पड़ेगा, कोरोना नहीं है तो इससे आधा भी चलेगा आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इतना सा ये ले लिया, इसको छोटा छोटा टुकड़ा करके कूट करके, और इसको आपने 400 ग्राम पानी में पकाया, जब 100 ग्राम बच जाए तब छान के पी लेना। इस गिलोय के अंदर डाल सकते हैं तुलसी पत्र, काली मिर्च, हल्दी और अदरक, तो इससे फिर ये कंप्लीट एक मेडिसिन हो जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है और कोरोना से फाइट करने के लिए, उसका अटैक होने पर आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी ताकत देता है। भारत की जो कोशिश है सरकार की हो या आम आदमी का कोरोना का फाइट करने के लिए, आपको क्या लगता है कि वो सही दिशा में भारत जा रहा है अभी? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत है इंडिया में, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, हॉस्पिटल्स हों, ICU हों, उनमें वेंटिलेटर्स हों, डॉक्टर नर्सेज जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं है। वैसे तो मैं तो कहता हूँ सारा देश बीमार पड़े क्यों, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो अभी हम उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही उपाय है। बचाव कैसे करें? ये एक तो यह है कि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले नहीं, सोशल डिसकनेक्टिंग वाली जो बात है उसको हमें करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है भी नहीं, क्योंकि संक्रमण चाहे कोई अमेरिका जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया या इटली जैसे, ब्रिटेन जैसे देश जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और उन्होंने भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वहाँ ये भयंकर फैल गया और अब सैकड़ों लोगों की मौतें हो रही हैं इन देशों के अंदर, और इटली जैसे देश में तो 1000 के करीब आंकड़ा पहुँच रहा है डेली का, ये बहुत डेंजर है। इसलिए अपने पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना, ना हम इसको झेलने के लिए तैयार हैं, और क्यों ऐसे मुफ्त में हम की तरफ हम कदम आगे बढ़ाएं, ये देश के लिए शुभ नहीं है। मेरे आखिरी प्रश्न गुरुजी कि आप कितना उम्मीद है, कितना कॉन्फिडेंट है कि भारत मुकाबला कर सकता है कोरोना से? कम से कम एक महीना बच्चे और बुजुर्गों को हमें घरों से बाहर नहीं निकलने देना होगा, और एक महीने तक जो जवान या बहुत ज़रूरी होने पर जो काम करने के लिए जा रहे हैं उनको भी सावधान होकर के जाना पड़ेगा। एक महीना बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, 2 महीना से 2.5 महीना इसको निपटने में हमें टाइम लगेगा, तब जा करके हम इस कोरोना से फाइट कर पाएंगे। और यदि हम एक महीना चूक गए तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा संकट हम आमंत्रित कर लेंगे। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके आह्वान करता हूँ कि अपने आप पर संयम रखिए, संकल्पित होकर के योग की साधना से अपना उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी और वफादारी निभाते हुए देश के लिए आप सब मिल करके, हम सब मिल करके इस काम को करें, और जो इस काम को कर रहे हैं, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हैं जो करोड़ों लोगों तक जागरूकता फैला रहे हैं, चाहे हमारे पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, और चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इसमें लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की, जैसे मोदी जी ने कहा उनके लिए ताली बजाई, उनको अप्रिशिएट कीजिए, हम भी आज उसकी तैयारी किए हुए हैं, उनके लिए हम ताली बजाने वाले हैं, उनके लिए हम गीत गाने वाले हैं और उनके लिए हम शंख भी बजाने वाले हैं। तो आपकी अनुमति हो तो हुसैन भाई हम आपको कोई गीत सुना सकते हैं या हम जरूर, ताली बजा सकते हैं? जरूर। क्या तो जाए बोलो, संगीत सुनाएं कि आपको हम जो है वो शंखनाद करें या कहां से शुरुआत करें? जो भी आपकी मर्जी, जो भी आपकी इच्छा, तो शंख बजा देते हैं। तो शंख ध्वनि भी कहते हैं, पवित्र ध्वनि होता है और इससे अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं, और हम किसी को, भगवान को भी ऐसे प्रसन्न करने के लिए, तो जो स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया कर्मी और पूरा पूरे देश के लोग जो इससे लड़ने में, जूझने में लगे हुए हैं, उनके लिए मेरा अभिनंदन है। तो ऐसे सब लोग मिलकर के
और ताली बजा करके उनको एप्रिशिएट करें और देश के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन ये सांस हो मातृभूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कन ये सांस हो मातृभूमि के लिए। तो सबको सलाम वंदन, और हुसैन भाई आपको भी मेरा सलाम वालेकुम, नमस्ते प्रणाम। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, अपने समय दिया न्यूज़ लाइफ की काफ़ी तमाम दर्शकों को आपकी शुभकामनाएं, आपकी थैंक यू सो मच।